हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अल्फा एस अकेडमीज यूपीएससी एनवायरनमेंट सीरीज। वी आर एट द लेक्चर 37। बेसिकली आज हम प्रीलिम्स का जो पार्ट है वो कंक्लूड कर जाएंगे, उसका एक पार्ट बचेगा, दैट इज एनवायरमेंटल एथिक्स, दैट विल बी डिस्कसिंग इन लेक्चर नंबर 38 एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज। सो थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा था, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बेसिक अलग अलग टाइप्स की एनर्जी देखी थी। आज हम जो है बेसिकली कंपैरेटिवली न्यू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज देखेंगे जो आज के ज़माने में चल रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन एनर्जी की। अब आप सभी को पता है कि भैया आजकल हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड कार्स, बसेस, ये बहुत चल रही हैं। अब देखो, कहने के लिए सब कुछ बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल है। देखो, हाइड्रोजन जो है क्लीनर फ्यूल है इन कंपैरिजन टू फॉसिल फ्यूल्स, इसमें कोई दो राय नहीं। बेसिकली क्या है कि हाइड्रोजन जब बर्न होता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन एयर का इस्तेमाल करता है या ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और उसका जो बाय प्रोडक्ट है, ये अच्छी बात है कि वो है आपका सिर्फ वाटर वेपर, ठीक है, नॉन पोल्यूटिंग वाटर वेपर जो है हाइड्रोजन फ्यूल का क्या है, बाय प्रोडक्ट है। जैसे अभी आप इंटरनल कंबंशन इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप तेल डालते हैं, तेल में क्या होता है, बेसिकली तेल जलता है और आपका धुआं निकलता है, उसमें कार्बन, सॉक्स, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये निकलते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। बट देन आप जब हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, तो आपका बाय प्रोडक्ट है वाटर वेपर, नॉन पोल्यूटिंग वाटर वेपर, ठीक है। और अब हाइड्रोजन एनर्जी बहुत तरीके से बनाई जाती है, ठीक है, उसमें से एक जो टेक्नोलॉजी उभर के आ रही है वो है फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी। उसमें क्या है कि डायरेक्टली आप हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये हम आगे बताएंगे। अब बेसिकली प्रॉब्लम है क्या हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन बनना किससे है, हाइड्रोजन बेसिकली जिस भी चीज़ से बनना है उससे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सिर्फ हमें H2, ये तो फ्यूल है हमारा, लेकिन ये कहीं रेडिली अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं जाके हमने खोदा और H2 निकला है, बिल्कुल नहीं है। H2 जो है किसी कंपाउंड के साथ मिलके बनता है, जैसे पानी में क्या है, H2O है। अब इससे जो है आपको H2 अलग तोड़ना है और O अलग तोड़ना है। अब ये जो तोड़ने का प्रोसेस है ये बड़ा एक्सपेंसिव है, बड़ा एनर्जी इंटेंसिव है, और अब जो काम हो रहा है हाइड्रोजन फ्यूल की सेक्टर में वो बेसिकली इसी अराउंड हो रहा है कि जो इसको तोड़ना है या इसको निकालना है वो जो है उसको किसी तरीके से उसकी जो कॉस्ट है वो कम की जा सके, जो एनर्जी लगती है उसमें, क्योंकि उसमें बिजली भी बहुत खर्च होती है इसको तोड़ने में, मतलब इतनी आपने बिजली, इतना आपने एनर्जी बनाई नहीं इससे जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में लग गई, कई बार ऐसे हो जाता है। तो बेसिकली उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप एल्गी से बनाएं, ठीक है, एल्गी से आप हाइड्रोजन बनाएं। बेसिकली ये देखा गया है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो आपका हाइड्रोजन भी एज अ एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। अगर हम उस हाइड्रोजन को कैप्चर कर पाएँ किसी तरीके से तो वो एक हमारे लिए ऑल्टरनेटिव है। देन आने वाले समय पे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली जाएगी कि हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, और जब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे तब क्या होगा, तब जितनी हमें हाइड्रोजन चाहिए उतना फोटोसिंथेसिस कराया एल्गी से और उतनी हाइड्रोजन ले ली, या जितनी कम चाहिए तो कम कर दी, ठीक है। दस ये हाइड्रोजन के साथ समस्याएं भी हैं लेकिन उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, बट ये एक क्लीनर ग्रीनर फ्यूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया का, ठीक है। अब भैया आप सोचेंगे कि यार हाइड्रोजन तो ग्रीन फ्यूल है तो ग्रीन हाइड्रोजन होगा, नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोजन जो है अलग तरीके से अवेलेबल नहीं है, या H2 जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो किसी कंपाउंड के साथ ही अवेलेबल है, ठीक है। तो जो ये H2 लाना होता है, हमें मान लिया हमें H2O से इसको तोड़ना है, H2+O बनाना है। अब इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी और ये बड़ा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, बड़ी एनर्जी लगती है इसमें। अगर ये एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, सोलर से, विंड से, वेस्ट टू एनर्जी से, जियोथर्मल से, तो इसको हम बोल देंगे, जब हमने जो एनर्जी अगर इसमें लगी, अगर उसमें रिन्यूएबल एनर्जी लगी, तो उसको हम बोल देंगे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है। ऐसे ही ग्रीन अमोनिया, भाई अमोनिया भी जो है ना बेसिकली एज अ फ्यूल देखा जा रहा है अगले टाइम पे। भाई अमोनिया क्या होता है, CH3 ही होता है, ठीक है। मीथेन क्या होती है, मीथेन होती है CH4, ठीक है।
CH3 होता है। बेसिकली क्या देखा जा रहा है कि आगे चल के अमोनिया भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिकली अमोनिया को तोड़ने के लिए भी हमें उसमें से भी हाइड्रोजन निकालनी है, तो उसमें एनर्जी चाहिए होती है। जो अगर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है तो उसको हम ग्रीन एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया बोल देते हैं। अगर वही एनर्जी किसी फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से आ रही है या फॉसिल फ्यूल से आ रही है तो वो हो जाएगा ब्राउन अमोनिया एंड हाइड्रोजन। और बेसिकली अगर वो जो हमने आपको पढ़ाया है पहले, आपका जो कार्बन को सिक्वेस्टर करने की जो टेक्निक्स होती हैं, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी से आ रही है, तो उसको हम लोग ब्लू अमोनिया या हाइड्रोजन से बोल देंगे। तो अगर तो वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है तो ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया, अगर वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है तो बेसिकली ब्राउन अमोनिया और हाइड्रोजन, और अगर वो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जिसको हम CCS बोलते हैं अगर उससे आ रही है तो ब्लू अमोनिया और हाइड्रोजन। तो बेसिकली इसके इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। बेसिकली कोई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है अमोनिया में, उसको बोलते हैं हम हेबर बॉश प्रोसेस, ठीक है, ये याद रखना, हेबर बॉश प्रोसेस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अमोनिया को NH3 को तोड़ दिया जाता है किसमें, हाइड्रोजन में, H2 में और नाइट्रोजन में, N2 में, एट अ वेरी हाई प्रेशर, एंड एक टाइप का कैटलिटिक रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन के, पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं। पहले एक तो इट हैज़ हाई एनर्जी डेंसिटी, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक टैंक डालो और कश्मीर से कन्याकुमारी घूम आओ, तो इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। देन कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, उसका कोई तो मतलब एयर पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, आपका कोई फाउल स्मेल नहीं आएगी। देन रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, मतलब क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन एमिट नहीं करती है, इसका जो एमिशन है वो क्या है, आपका नॉन पोल्यूटिंग वाटर वेपर, तो ये क्या होगा, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करती है। अब अमोनिया के एडवांटेज, फिर अभी इसी डिसएडवांटेज की बात करते हैं भैया। इसमें तो एक तो हाई इनिशियल कॉस्ट लगती है, क्योंकि शुरू में इसमें जो उसके प्रोसेसर होते हैं उसमें प्लैटिनम का इस्तेमाल होता है, महंगे महंगे मेटल का इस्तेमाल होता है। देन ये बड़ी एनर्जी इंटेंसिव है, ठीक है। अभी भी हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टोरेज की बड़ी दिक्कत आती है, हाईली फ्लेमेबल है भाई, हल्की सी निकल गई ना तो इसमें एकदम आग लग जाती है, ठीक है। अब अमोनिया क्या है कि अमोनिया का डिसएडवांटेज है कि वो एनर्जी डेंसिटी उसकी कम है, थोड़ी सी टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए, और ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल्स को वो अल्टर कर सकती है, क्योंकि इसका नाइट्रोजन भी इसमें बाय प्रोडक्ट है, तो वो अगर एटमॉस्फेयर में चला गया तो एटमॉस्फेयर जो है वो अल्टर, उस जो अल्टरनेटिव जो नाइट्रोजन कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में वो चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, इसके ये इसको जो है ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इस बड़ी लो कॉस्ट आती है इसको प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अभी आपके पास सेफ स्टोरेज है, सेव कर सकते हो, इसमें भी रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट जो है रिलीज होता है बेसिकली। अब बात करते हैं फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की। देखो भाई, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर हमने आपको बेसिकली समझाया तो फ्यूल सेल में बेसिकली होता क्या है। देखो फ्यूल सेल में सबसे पहले तो होता क्या है कि आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली चेंज हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। थोड़ी सी फंक्शनिंग समझ लेते हैं। एनोड होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। बेसिकली आप इसमें करते क्या हो कि आपने इधर से हाइड्रोजन फ्यूल डाला, इधर से आपने ऑक्सीजन डाली, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, बेसिकली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। आपका इधर से ऑक्सीजन गई, इधर से हाइड्रोजन गई, ये आपका क्या होता है, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, ठीक है। इधर आपके कैटलिस्ट होते हैं उसके बगल में, बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का इसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में चेंज होते जाते हैं मेम्ब्रेन से, ठीक है, उनका मूवमेंट होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो क्या क्या जनरेट होता है, एक तो हीट जनरेट होती है, ठीक है, हीट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, और आपका वाटर जनरेट होता है, ठीक है। तीन बाय प्रोडक्ट होते हैं फ्यूल सेल के, एक तो हीट जनरेट होगी, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और एक वाटर जनरेट होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, यहाँ से ये टर्मिनल हुआ, ये बल्ब लगा हुआ, यहाँ आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, यहाँ से आपकी हीट निकल गई, यहाँ से H2 निकल गया, उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है, ये है आपका एयर एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होता है, केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली चेंज करता है एनर्जी में। एक बात याद रखना कि जो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, इट इज़ लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ इट साइज एंड एनर्जी आउटपुट, कि वो कितना बड़ा है उससे इंडिपेंडेंट है भाई, वो कितनी एनर्जी देगा उसकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी वो इंडिपेंडेंट है कि वो कितना बड़ा है उसका एनर्जी आउटपुट जो है इंडिपेंडेंट है उसके साइज से, ठीक है।
लगभग लगभग आप इसमें जो नीचे सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली, अब आप पहले तो हम लोग हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करते थे एज अ मीडियम, लेकिन अब बेसिकली अब में जो है आप नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ मीथेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें एक ही दिक्कत आती है कि थोड़ा सा जो है आपका पॉल्यूटेंट बाहर निकलते हैं, ठीक है, बट वो पॉल्यूटेंट कितना है कि अगर आप फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करोगे उसको, तो अगर फॉसिल फ्यूल में 100 कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं तो इसमें एक ही निकलता है, तो 1% है ये लगभग लगभग, ठीक है। देन एक RE21 था, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी। ये एक टाइप का इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, जितने भी वेरियस एकेडमिशिया हैं, मतलब जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, एकेडमिक्स हैं, सिविल सोसाइटी है, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली REN20 का जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी टू मीट द नीड्स ऑफ बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में, ये उसको देखता है, एंड इट वर्क्स इन द एरियाज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। अब बेसिकली दो लेक्चर में हमने एनर्जी रिसोर्स यूटिलाइजेशन पढ़ लिया, तो उसमें हमने लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, बायोमास कन्वर्जन, सॉलिड वेस्ट, वेस्ट टू एनर्जी। तो बेसिकली हमने ये जो आपको मैंने अभी तक पढ़ाया उसका समअप है, या तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं, या आप जो है बेसिकली आप जा सकते हैं हमारे नोट्स में, वहाँ पे हमने इसको जो है एक तरीके से समअप कर दिया, एक जगह हमने डाल दिया कि प्रोडक्शन कैसे होगा, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, ये लिमिटेशंस क्या हैं बेसिकली इन एनर्जीज की, ठीक है। अब एक टेक्नोलॉजी होती है कोल गैसिफिकेशन। देखो कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है, कोयले को हम क्या करते हैं, नॉर्मली जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कार्बन हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, मतलब एयर को बहुत पॉल्यूट करता है, ठीक है। बेसिकली कोल गैसिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि कोल को जो है सिंथेसिस गैस, जिसको सिन गैस बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। देखो सिन गैस होता क्या है, सिन गैस कुछ नहीं होता है, सिन गैस जो होता है बेसिकली तीन गैसेस का मिक्सचर होता है, एक तो आपका हाइड्रोजन, एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, निकल यही रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए जहरीली भी होती है, टॉक्सिक भी होती है, तो ये थोड़ा सा इसको जो है देख रेख के ही करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोल गैसिफिकेशन में बेसिकली क्या करते हैं, कोल को सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं। सिन गैस क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दो तरीके से कर सकते हैं हम, इन सीटू मतलब जहाँ पे कोल ऑलरेडी, मतलब जहाँ पे कोल की कोयले की खदान है वहाँ पे, या एक्स सीटू। एक्स सीटू में बेसिकली हम एक रिएक्टर बनाते हैं और रिएक्टर में उसको करते हैं। इन सीटू में आप क्या करेंगे, बेसिकली जो बेड है कोयले का, आप उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे विद वाटर। जब आप ऑक्सीजन विद वाटर डालेंगे उसके बाद उसमें उसको जलाएंगे, इग्नाइट करेंगे, जलाएंगे उसको हाई टेम्परेचर पे। जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे जलाएंगे विद ऑक्सीजन एंड वाटर, तो वो पार्शली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन मिलेगी एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। अभी हाइड्रोजन सल्फाइड कई बार प्रॉब्लम करता है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं होता, तो बेसिकली इसको रिमूव करना पड़ता है। इसको आप रिमूव कैसे करेंगे, आपके पास एसिड गैस रिमूवर्स होते हैं हमारे पास आज के टाइम पे, तो उससे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि इसमें स्लज पैदा नहीं होता, तो ज़्यादा कुछ भी आपको जो है साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो पानी निकलता भी है वो थोड़ा सा गंदा पानी होता है, आप उसको पानी को रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कोयले का जो स्लज होता है, जिसको कि बहुत प्रॉब्लम होती है डिस्पोज ऑफ करने में, वो नहीं निकलता कोल गैसिफिकेशन में, ठीक है, याद रखना। देन इन सीटू में आप क्या करेंगे, इन सीटू में आप क्या करेंगे, एक जो आप वहाँ कर रहे हैं वही आप एक रिएक्टर में करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है और माइनर अमाउंट्स ऑफ सल्फाइड निकलते हैं, ठीक है, सल्फर, क्योंकि कोयले में क्या होता है, सल्फर होता है। जब आप गैसिफिकेशन करता है तो ये सल्फर जो है या तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S या कार्बन सल्फाइड COS में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप इसको एसिड गैस रिमूवल सिस्टम से हटा सकते हैं। कोल गैस जो है बर्निंग ऑफ कोल से बहुत ज़्यादा क्लीन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ये जो सिन गैस है, इस सिन गैस के इंडस्ट्री में अपने फ़ायदे हैं, हम अभी आपको 2 मिनट में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ या क्लीन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है। टाइप ऑफ गैसीफायर्स देख लेते हैं तो तीन टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स्ड बेड गैसीफायर होता है। देखो फिक्स्ड बेड गैसीफायर में क्या होता है, इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गैस, ठीक है। इसमें जो है कितनी गैस फ्लो हो रही है उससे इंडिपेंडेंट रहता है। इसमें मिनिमल प्री ट्रीटमेंट चाहिए,
कोल का एंड थर्मल एफिशिएंसीज की बहुत आई है, मतलब एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा देता है। देन फ्लूडाइज्ड बेड गैसीफायर्स है हमारे पास। बेसिकली इसमें क्या होता है, पार्टिकल मिक्सिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वो यूनिफॉर्म रहते हैं। ठीक है, देखो ये अगर ऐसे पढ़ा रहे हैं याद करने की जरूरत नहीं। फिक्स्ड बेड गैसीफायर, फ्लूडाइज्ड बेड गैसीफायर्स एंड एंट्रेंड फ्लो गैसीफायर्स, बस ये याद रखना टाइप्स ऑफ गैसीफायर्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड्स, फ्लूडाइज में क्या होता है, पार्टिकल मिक्सिंग और टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, और इसमें जो होता है जो चार निकलता है उसका उसका रिसाइकलिंग रेट उसका अच्छा खासा होता है, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं और इसमें जो है पैसा आपका कम लगता है। ठीक है, देन एंट्रेंड फ्लो गैसीफायर्स में क्या होता है कि बेसिकली इन गैसीफायर्स में सिन गैस को टैकल करने की पावर होती है। ठीक है, और इसमें जो है ऑयल्स एंड टार्स नहीं निकलते हैं इन इस टाइप्स ऑफ गैसीफायर्स में। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है कोल गैसिफिकेशन की, एक तो जो हमें क्लाइमेट टारगेट्स पूरे करने हैं उसमें हेल्प करेगा क्योंकि एक क्लीनर टेक्नोलॉजी है। देन हमें सेल्फ सफिशियंसी एंड रिड्यूस इंपोर्ट, बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे सिन गैस जो होती है यूरिया बनाने में बड़ा काम आती है, तो अगर हम सिन गैस घर में ही बना पाएँ तो हम यूरिया भी बना पाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं जैसे मिथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर, ओलिफेंस। ठीक है, इसमें बेसिकली हम जो है घर में ही बना पाएंगे। देन स्टील इंडस्ट्री में बात करूँ तो बेसिकली सिन गैस से जो में जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है वो बेसिकली एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं स्टील मेकिंग में। ठीक है, तो स्टील मेकिंग में आपका काम हो गया। देन फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करूँ तो अगर आपने APIs सुना होगा, APIs क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली अभी हम मैक्सिमम जो APIs हैं चाइना से इंपोर्ट करते हैं, सिन गैस के पास पोटेंशियल है कि वो API मेकिंग में हेल्पफुल हो सकती है। देन इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल सिस्टम, बेसिकली ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है। बट इश्यूज़ क्या हैं, देखो इसमें बड़ा पैसा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है ये, इनएडिक्वेट एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास अभी एक्सपर्टीज़ नहीं है कोल गैसिफिकेशन करने की, क्वालिटी ऑफ जो कोल है वो बड़ा लो है, तो कोल गैसिफिकेशन हो सकता है कि ठीक ना रहे। देन अनकॉम्पिटेटिव है, बेसिकली आपने मैंने क्या बोला कि आपको मिथेनॉल बनाना है, अब मिथेनॉल आप कोयले से ही बना सकते हो, नेचुरल गैस से बना सकते हो, पता लग रहा है जो आपने नेचुरल गैस से मिथेनॉल बनाया वो 1 रुपये का पड़ रहा है, जो आपको कोयले से बनाया वो 10 रुपये का पड़ रहा है, तो ऐसे ही वो अनकॉम्पिटेटिव भी हो सकता है या होता ही है बेसिकली। देन वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्या करना है आपको, इंटर स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बनानी है, भाई घर में टेक्नोलॉजी बनाए, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाएं, जैसे BOT मॉडल होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, या बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, BOOT होता है। ठीक है, देन आप इन्वेस्टमेंट करें किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बेहतर पॉलिसीज लेके आएँ, इंडिया ने इनफैक्ट इनिशिएटिव्स भी ले रखे हैं कोल गैसिफिकेशन के लिए, जैसे एक हमारे पास नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन है, बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का इनिशिएटिव है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर उन्होंने कहा है कि हम 100 मेट्रिक टन कोल को जो है गैसीफाई कर देंगे 2030 तक, जो 100 मेट्रिक टन कोल होगा वो कोल, उससे जो एनर्जी आएगी वो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से आएगी 2030 तक। फिर कोयले के लिए एक हमारी शक्ति पॉलिसी भी है, ठीक है, उसमें भी जो है कोल गैसिफिकेशन की बात की गई है, ताकि उसका जो मतलब बेसिकली ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो होती है वो कम आ जाए। ठीक है, लेकिन वो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो आप बियर करने के लिए रेडी हैं या नहीं है तो वो आपका एक कॉल है। ठीक है, अभी तक हमने एनर्जी रिसोर्स यूटिलाइजेशन पढ़ा, सम अप कर लेते हैं कि इंडिया में जो बिजली है हम लोग कहाँ कहाँ से बनाते हैं। बेसिकली तो सबसे ज़्यादा कोयले से ही बनाते हैं, तो लगभग 56% जो हमारी बिजली है कोयले से आती है, फिर रिन्यूएबल से आती है लगभग 23%। इस रिन्यूएबल में भी देखो सोलर और विंड जो है ऊपर नीचे चलता रहता है, तो बेसिकली जब भी आप पेपर देने जाएं तो बेसिकली एक बार चेक कर लेंगे सोलर से ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं या विंड से। ठीक है, क्योंकि अब वो दोनों इंस्टॉल कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट सेम हो गई है, विंड एक्सीडी कर जा रहा है, तो ये जो हमने डायग्राम लिया है इसमें विंड ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है, सोलर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है। देन स्मॉल हाइड्रो आ जाता है उसके बाद। ठीक है, फिर स्मॉल हाइड्रो से ज़्यादा हम लोग बायो पावर से, बायोमास से बनाते हैं। देन वेस्ट टू एनर्जी पावर, ये बड़ा कम है, इस पर इम्प्रूव करना है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से एनर्जी बनाते हैं उस पर वर्क करना है। ठीक है, रिन्यूअल से 23% आती है, उसके बाद लगभग आपका जो है हाइड्रो से आती है, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पावर से आती है 12%, देन आपका गैस से आती है 7%, न्यूक्लियर से इसको भी बढ़ाना है ये भी क्योंकि बड़े क्लीनर है 2%, और डीजल से आती है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा हम क्या देख रहे हैं कि कोल, उसके बाद रिन्यूएबल, उसके बाद हाइड्रो, देन गैस। ठीक है, रिन्यूएबल्स में भी अभी बेसिकली विंड, सोलर, बायो पावर, स्मॉल हाइड्रो एंड देन वेस्ट टू पावर। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड इन द लास्ट लेक्चर वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द एनवायरमेंटल एथिक्स, क्योंकि एनवायरमेंटल एथिक्स बहुत ज़रूरी हो गया है, डेमोक्रेसी के साथ साथ अब इकोक्रेसी की भी बात होने लगी है, तो वो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ नाइस डे।
कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी एंड वी शैल सी यू टुमारो। बाय बाय।